हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम आलू की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए, ये आटा निकाल ली हूँ और उधर आलू सुहानी दिखा दे। आलू मैं भून रखी हूँ, अभी मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। आज रात में आलू उबाली थी सब्जी के लिए, तो सब्जी नहीं बना पाई थी, नमकीन चावल बना दी सुहानी, इस वजह से आलू रखी है उबली हुई। तभी मैं उसी की कचौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि फ्रिज में ठंडी हो गई तो पराठे तो सही बन नहीं पाएंगे, गीली हो जाती आलू। तो मैं सोची उसको तल देती हूँ, तो अभी मैं फिर आपको कचौड़ी बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, आलू की कचौड़ी बन रही है, इधर थाली में रखी हुई है आलू की खस्ता कचौड़ी। तो आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए, धनिया पुदीना के चटनी के साथ। मैं बना रही हूँ, 2 बजने वाला है, 1:45 हो गया है। अभी सुहानी के पापा भी नहीं आए हैं, मैं सोची तब तक गरम गरम बना के रख देती हूँ, तब उनको फोन करूँगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं 10:30 है और मैं नहा धो चुकी हूँ, और कल के ब्लॉग बनाई थी उसमें मैं आलू की कचौड़ी बनाई तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉग को कर रही हूँ, क्योंकि कल खाना बनाने के बाद मैं लेट गई थी, तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो वीडियो नहीं डाल पाई थी कल, इसके लिए सॉरी। अभी 10:30 हो रहा है, सुहानी झाड़ू लगा कर बैठी है यहाँ पे, इसको वीडियो माने में शर्म लगता है। तो अभी के लिए बस यही, अब देखती हूँ रोटी सब्जी आज बनाऊँगी। देखिए मेरे यहाँ पे सूजन रहता है, हर वक्त दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। आज संडे का दिन है, नहा धो चुकी हूँ सही से, बाल धो के, बाल भी अभी गीली है। अब देखती हूँ क्या खाने में बनता है। तो फ्रेंड कल वीडियो नहीं डाली, अभी डाल रही हूँ, कल की ही वीडियो है, उसी को मैं अभी एंड करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे न्यू वीडियो मिलती हूँ, तब तक बाय।